In other words, you can't judge the whole ecosystem based on few events. And classically in India, we are so many. We are literally, even if there are startups, we are volume-wise dramatic large startups. And if you're talking about number of people who are there, their personality, their intent, their commitment, can be so varied. Yeah. So in my opinion, taking a judgment or a shorthand on top of a whole ecosystem based on few people is as illogical as ke Bollywood movie to ghatiya hi hoti hai. Yeah. Aisa thoda hota hai. कुछ मूवी अच्छी होती है नहीं होती है तो फिर इसका मतलब सारे सारे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वैसे नहीं होंगे जैसे आप किसी का भी नाम लेना चाहते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपॉर्चुनिटी है देश में और मेरा तो ये मानना है श्रद्धा और ये मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज आर फेलो एंटरप्रेन्योर्स हियर व्हेन इंडियाज टैलेंट सर्व्स इंडिया मतलब हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को बाहर की जॉब की चॉइस होती है MBA कॉलेज से निकले हैं कहीं से भी ग्रेजुएशन मास्टर्स करके निकले वी ऑल आर ग्लोबल टैलेंट एंड आर ग्लोबल टैलेंट इज अ रिस्पेक्ट वर्दी हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइड चैंपियन ऑफ लीडरशिप तो जब आप अपने कॉलेज से बाहर निकल के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो आप उनकी सेवा करते हैं और जब आप अपने कंट्री में रह के एक चेंज लाते हैं तो आप अपने कंट्री को आगे बढ़ाते हैं सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कमिटमेंट दैट यू हैव टू आवर कंट्री दैट यू आर नॉट जस्ट स्टेइंग इन योर कंट्री यू आर आल्सो सर्विंग टू ब्रिंग द चेंज इन योर कंट्री